नमस्कार जी सब भाई लोग ने राम राम साह राम राम मैं पोस्ट डाली बारू को भी पाँच बजे मैं लाई हूँ सब कलाकारों के कर लिए वह सब कलाकार ने निवेदन है जितना भी मतलब अपना राजस्थान की हिंदुस्तान का सब कलाकार ने सब ने निवेदन है वह चोरी जो लाई बार बोली अगर थाका ने जो थाके हुए था माजनो है तो आज के बाद साउंड वाला हो गया रिकॉर्डिंग करने वाला स्टूडियो वाला हो गया कोई भी पेट बजाने वाला हो गया ऑर्गन बजाने वाला हो गया ढोलक बजाने वाला हो गया नाचने वाले हो गए कोई भी वहाँ का प्रवाह कोई नहीं जावे, न वहाँ की कोई रिकॉर्डिंग करे अगर था मैं थोड़ा माजनो बचोड़ो तो है ना बाकी था बटवागिरी करनी है तो फँचा रख जाओ वो छोड़ो एक कदम उठाओ जिन्हें उन्होंने मोन है तेरा फाचा पाचा सब फाचा रह गया मैने लाइव उड़ा आना हो लेकिन कुछ लोग मना कर दिया मैंने अरे लाइव मत आओ यार के दरबकना के गणा गणा के भाई यार के वो वही कर देगी कही कर दे वहां की ओकात की जो बात करी तो वहां ओकात मैं बताऊँ अब मैं अब रमेश धोवाला बताओ वहां ओकात की भी थारी औकात कतरीक है जाने तू जेडी साहब ने जाने करती है ढाई सौ रुपया में धर्मराज जी चौधरी और फुसा लाल जी के साथ ढाई सौ रुपया में ढाई सौ रुपया देता हूं हमारे सामने ढाई सौ रुपया देता हूँ की खुद की कोनेर दूजे की बात करे औकात करे की बात करो फलाने फलाने कलाकार सब कलाकार आ जाओ राजस्थान के सब कलाकार औकात है तो अब आ रे बताओ में सब वो कलाकार ने बड़वा बड़वा समझो अबे वहाँ का मैं मैं भी आई हूँ जो अगर वहाँ का आज के बाद जब उन्होंने ऐसी बात कह दी है वह छोरी ईशान की बात कर दी तो वहाँ का लारी जो जो भी बजावे गावे वहाँ का साउंड लगावे वहाँ की रिकॉर्डिंग करे वहाँ को बड़े वो कलाकार कलाकार मैं कितनी समझू कौन है मानेटोक सुरमी गाऊ जाने ओकात की बात करे थारी औकात मैं जाना मैं म्यूजिशन मैं, मैं बंधु हाँ मेरा मैं जाना थारी औकात के तरीक है मैंने याद आगी बार याद आगी मैंने मैंने फोन करियो हो रामलाल जी गुजर कभी क्या बाद में यार के रमेश जी तेना वहाँ के साथ आ जाओगे यार के पंद्रह सोलह प्रोग्राम है के मैं क्यों यार मैं सोई सिंह जी के साथ हूँ मैं ना सकूँ तो वे पाचो लक्ष्मण जी ने क्यों लक्ष्मण जी मैंने फोन करियो मैंने फोन करियो कह अरे रमेश जी आ जाओ यार कह तो है ना महाराज तो सेट कर ले लिया महाराज ने कहे तो मोहल मसालो है महाराज सेट कर लिया वहाँ का मामला ने है ना आप आ जाओ मैं मैं उठ क्यों हूँ वही टाइम का ऊपर है वही टाइम का ऊपर चोरी का गाना भी मैं ही बजा रही हूँ राजस्ट स्टूडियो का मही नहीं ये गाना मैं महाराज शाह मैं सही बजा रही हूँ लेकिन आने लकड़ कोने आने लकड़ कोने जो कहे अरे बसंत जी तुम तुमने ऑर्गन वाला किसको रख रखा है यह गाना किसने बजा रखा है म्यूजिक ही सही नहीं है अब तू मैंने माने म्यूजिशन ने बताया कि भाई को खशियो सही है रखी ने का थन का नॉलेज है तू माने बताई तू यह चीज़ हम म्यूजिशन क्या होते हैं जिसका साथ साथ जिंदा है वही साथ जिंदा है अभी ये मान माने बताए कि माने टोको के भाई कशो चीज बजानी चाहे कही बजानी चाहे लेकिन ऐसा नरी भड़वा है जो पाजो वहां बजा हुआ फरा जाए और न रही हमारे ये कह के बावजूद भी जाए नरी रही है ना ऐसा नरे नरे भड़वा स्टूडियो वाला भी है जो वहां की रिकॉर्डिंग कह रही खा के जाने ना आचोरी जाने आचोरी जाने का भाई ऐसे न रही है और नटकियों तो कहीं दूजो त्यार है उचोरे एक आवाज उठ रही गौतम गोविंदा जी, जी का फाजा पड़ गया अरे तो पहली बोलबाग में जी हो चावन है लखन राघन सावन बोली मैं न तो लकन है न ऐसे ही है बाले ही मने ऐसे ही है थोड़ी मर्यादा रखो है मैं, मैं एक बार और कह रही हूं जो भी कलाकार मेरा ये लाइव सुन रहे हैं मुँह मुँ तो हालांकि वहाँ को बजाऊँ ही कौन है मैंने पचास हजार दे तो नहीं बजूँ ना वहाँ का कार्यक्रम में जाऊँ लेकिन जो भी मेरा लाइव सुन रहे हैं उन सभी कलाकारों को में, में, मेरा निवेदन है कि क्या ना तो रानी रिंगली के कार्यक्रम में कोई जाएगा ना उसके उसका स्टूडियो में कोई बजाएगा और बजाते हो बजाते हो तो फिर आपसे बढ़ो कलाकार कोई नहीं है आज के बाद रमेश धोवा कभी नहीं बजाएगा उसका ऐसी नीच बुद्धि की औरत के लड़ते बैठ रहे हो उठ रहे हो बजा रिया तुम्हें तुम्हारे में मर्यादा नहीं है क्या कोई हनुआ चोरी आ रही थे अड़का बड़का बोल रही कि मैंने टू को फाज फाजा, फाजा जार दस जाओ हालांकि और जाए मनी ध्यान जाए नरी न रही जाए लेकिन आज के बाद में रमेश धोवाला कभी नहीं जाएगा उसके ऊपर में ना कोई लाइव बजाएगा ना उसकी रिकॉर्डिंग बजाएगा है, है, है जो भी कोई बजावे वहाँ को बढ़वा मैं कितनी न मानूँ खुली बात है।, है ना वो वो चोरी भी सुन रही है वो चोरी सुन रही, वो चोरी सुन रही तो वहां ने को आठ है आठ जो वो पल्लो लेर सबने अरे मैं तो ऐसी ने करी मैं तो एहसान करी हो ऐसी नहीं करी बाटा करी होगी अब तू छाप की जो बात करे हेलो मारो सामलो हेलो मारो सामलो मैं दलजी सेठ था दलजी सेठ गोसुंडा गांव चित्तौड़ के पास में है जिन्होंने ये कथा कत, लिखी थी सवा तीन सौ बरस पहले उन्होंने ये हेलो मारो सामलो ये कथा गई थी उसमें ये गाना था हेलो मारो सामलो तू खुद कॉपी करियो लगे बने मारे शब्द गुरारा थारा भाजी लिखियो हुआ मैं 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 खुद भी मैसेज करियो हुआ अरे ना सबने टारगेट बना दी कलाकार ने कलाकार वो ही समझ में ले तू मर्यादा में रह पहले पहले खुद मर्यादा में रह ना सना बोल रही सभी कलाकारों को मैं टारगेट करती हूँ मैं, मैं सभी कलाकारों को सभी कलाकार में तारी तारी ओकाते हो तो घर बता पड़वी कलाकार